हे गाइस, आई एम पूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम घर पे इजीली मास्क कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मास्क बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट के लिए आप कोई भी शीट यूज कर सकते हैं या न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए एक 4.5x4.5 इंच का एक बॉक्स रेडी किया है। तो आपको इसे 9x4.5 इंच का लेना पड़ेगा। और अब हम दो पॉइंट मार्क करेंगे, 2.25 की डिस्टेंस पे एक इस साइड पॉइंट मार्क किया और एक दूसरी साइड। साइड हमें एक ओपन साइड लेना है और एक फोल्डेड साइड लेना है। तो हम इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे सर्कल शेप में, राउंड शेप में, और फिर उसे कट कर देंगे। मैंने ये स्क्वायर 4.5x4.5 इंच का लिया है। आपको थोड़ा बड़ा या छोटा जो भी करना है, आप 4 इंच का या 5 इंच का आपके फेस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो ड्राफ्ट हमारा बन चुका है। अब हम इसको फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। फैब्रिक मैं 3 लेयर्स का बना रही हूँ मास्क। आप चाहें तो 2 लेयर्स का या 4 लेयर्स का भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 1/3 किया और फिर मैं उसको ड्राफ्ट रख के कट करूँगी। और अब इसे हम यहाँ पर प्लेस करके चौक से मार्किंग कर देंगे, देन कट इट। और अगर हम ऐसे कंफर्टेबली नहीं कट कर सकते हैं तो हम बीडेड पिन यूज़ करके भी उसे कट कर देंगे। अगर हम बीडेड पिन का यूज़ करते हैं तो फैब्रिक वहीं की वहीं रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ताकि हम इजीली अच्छे से उसको कट कर सकते हैं। तो अब कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अभी जो राउंड शेप है इसको हम स्टिच कर लेंगे। और बीडेड पिन हम रख सकते हैं तो उससे भी स्टिचिंग में हमें हेल्प मिलेगी। ये अब हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, मतलब जो बाहर वाला साइड था उसको हमने स्टिच कर दिया है। और अब हम बीडेड पिन निकाल देंगे और फिर हम उसको इस तरह से बाहर की साइड पलटा देंगे। पलटाने के बाद उसी साइड पे हम एक एज पे एक स्टिच और चला देंगे। पहली साइड पे स्टिच लगाने के बाद अब जो बचा हुआ पोर्शन है, बची हुई साइड से उसको हमें ज्वाइन करना है। उसके लिए मैं स्टिच चेंज कर रही हूँ। मैं जिगजैग स्टिच लगा रही हूँ बिकॉज मैं उसे बाहर की साइड दिखाऊंगी। आप सेम स्टिच लगाकर उसे अंदर की साइड भी फोल्ड करके बना सकते हैं। और ये जो बची हुई साइड्स, एक स्ट्रेट और एक डायगोनल, इन दोनों साइड्स को भी अब हमें ज्वाइन कर लेना है। इसको हम ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि पलटा सकते हैं, या फिर हम उसे बाहर की साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस है हमें इसको कैसे यूज़ करना है। अब लास्ट चीज़ बची है हमारी इलास्टिक। इलास्टिक के लिए मैं 7 इंच, मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग 7 इंच का एक पीस कट करूँगी। तो 7 इंच के 2 पीस हम कट कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे बाहर वाली साइड से यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने स्टिच लगाई थी। और अब इलास्टिक के लिए जो राउंड वाला शेप है, यहाँ से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। और अब ये हमारा मास्क रेडी है, ताड़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप कोई भी प्लीज बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। एंड थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।